उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होने जा रही है। देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत होने जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करके राज्य को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर एम्स ऋषिकेश में हो रहे समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर एम्स ऋषिकेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। है कि उत्तराखंड में जहाँ पे भी कोई त्रासदी होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो जो शुरू के कुछ मिनट हैं, कुछ घंटे हैं, जिनमें कि सही चिकित्सा सेवा अगर मरीज को मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है, उस कुछ मिनट को उस कुछ घंटों को पूरा करने के लिए ये सेवा बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। हमने इस सेवा को 108 के साथ भी इंटीग्रेट किया है। हर डिस्ट्रिक्ट के CMOs को भी इस तरह का सक्षम अधिकारी हमने बनाया है कि वो हमको इसके बारे में इनपुट निरंतर देते रहेंगे। देहरादून में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। पवेलियन ग्राउंड से शुरू हुई क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाई गई उनके द्वारा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ दौड़ लगाई और लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। सरदार पटेल का इस देश की एकता और अखंडता में, एक देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है, और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी भी जो सरदार पटेल का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, और विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान देके देश के अंदर जो अलग अलग रियासतें थीं उन सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत में जोड़ने का काम किया था, और इसीलिए आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत है उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। हर जगह एकता दिवस के रूप में आज ये दौड़ हो रही है। केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ऐश्वर्या रावत की नाराजगी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल ने नामांकन दाखिल किया। ऐश्वर्या रावत वहां शामिल नहीं हुई। दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी हैं वो, और अपनी टिकट पक्की समझ रही थी। बीजेपी से टिकट की दावेदारी वो मान रही थी। टिकट ना मिलने से नाराजगी उन्होंने दिखाई है। ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए एक पोस्ट किया है, तभी से उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ गई हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव भी समय पर नहीं हो पाएंगे। हालांकि विभाग का कहना है कि उसकी तैयारी पूरी है और निर्वाचन आयोग को भी बता दिया गया है। तो ऐसे में दिक्कत क्या है और पेंच कहां फंसा है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में पहले ही निकाय चुनावों में 10 महीने की देरी हो चुकी है। अब नवंबर में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, लेकिन पंचायतों के चुनाव में भी अब आगे बढ़ने जा रही है। हालांकि पंचायती राज विभाग का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन चुनाव कब होंगे ये फैसला राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है। 5 वर्ष से कार्यकाल अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, इसीलिए हमने चुनाव की तैयारियां पहले से शुरू कर दी थी, और सरकार ने निर्वाचन आयोग को यह अवगत करा दिया है कि जो भी समय सीमा निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाएगी सरकार उसका अनुपालन करने के लिए तत्पर है। उत्तराखंड में हरिद्वार छोड़कर बाकी जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि उन्हें अभी तक आरक्षण रोस्टर नहीं मिला। 13 जनवरी के बाद ही चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि अभी 13 जनवरी तक वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 7 अक्टूबर से लेकर जो है हमारा डोर टू डोर सर्वे का कार्य, निर्वाचन नामावली बनने का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो कि अंतिम प्रकाशन जिसका 13 जनवरी 2025 को होना तय हुआ है। और इसके उपरांत जैसे ही हम लोग को आरक्षण इसका भी मिल जाएगा पंचायतों का, हम लोग चुनाव कराने की स्थिति में रहेंगे। अब ये तय है कि नवंबर में कार्यकाल पूरा होने के बाद भी 13 जनवरी से पहले पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब इसके पीछे परिसीमन नहीं हो पाना बड़ी वजह है, तो आरक्षण भी अब चुनाव के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
और ये बढ़ते हैं आगे देहरादून की खबर जानिए, जहां पर छात्र संघ चुनाव ना होने पर सियासत गरमाने लगी है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अनिवार्य है। इसके साथ यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि छात्र संघ चुनाव से सरकार भाग रही है, लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह जो कदम है सरकार का, उससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं और जो युवा पीढ़ी लड़ाई लड़ रही है उसको कुचलने की सरकार कोशिश कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने का इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा जा रहा है, जिसमें हरीश रावत ने कहा है छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र आत्मदाह तक की बात कर रहे हैं, छात्रों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ चिंताजनक है। इसके साथ ही हरीश रावत ने मांग की है कि राज्य सरकार जल्द ही कोई रास्ता निकाले। और आइए बढ़ते हैं आगे अल्मोड़ा की खबर जानिए, जहां पर छात्र संघ आंदोलन उग्र हो गया है। छात्र संघ चुनावों को लेकर सोमवार को दो छात्रों ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली और इस दौरान खासा हंगामा हो गया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों ही छात्रों को बचा लिया गया, लेकिन चिंता बनी हुई है कि अगर ऐसे आगे और किया जाता है तो फिर सरकार की चिंता बढ़ जाएगी। गनीमत रही कि जिन छात्रों ने आग लगाई वो अभी सुरक्षित हैं, छात्र बच गए। जब तक ये चुनाव की तिथि को स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा और 4 तारीख के बाद पूरे कैंपस के परिसरों के प्रदेश के स्कूल महाविद्यालय में हम बंद करेंगे। जहां छात्र हितों की बात आएगी वहां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज धनसिंह रावत जी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो छात्र चुनाव नहीं करा रहे हैं, इसी क्रम में समस्त छात्र संघ इकट्ठे हो गए आज चौहान पाटन में। माननीय धनसिंह रावत जी पुतला फूंक रहे और हमारे साथी ने आग लगाने का कार्य कर दिया है और दूसरा जो अपने आत्मा का प्रयास है उसको पूरी अरेस्ट करके साथ ले चुकी है। यहाँ पे पहले ही हम लोगों ने पहले तो वार्ता करने का प्रयास किया था, उसके बाद अभी पर्याप्त यहाँ पे पुलिस हमने तैनात करी है और फायर की गाड़ियाँ भी थी, तो इनके द्वारा अटेम्प्ट जो किया गया था उसे रोक लिया गया। अभी शांति व्यवस्था है, अभी जो इनका प्रयास था वो असफल कर दिया गया। हरिद्वार से खबर, यहां पर हरिद्वार में LIU सिपाही की गंगा में डूबकर मौत हो गई है। SDRF ने गंगा से सिपाही 53 नेगी का शव निकाला है। कल गंगा में नहाते वक्त हादसा हो गया, सिपाही गंगा नदी में डूब गया और आज उपतवाला क्षेत्र में सिपाही का शव बरामद हुआ। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों से 92 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पौड़ी पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गिरोह के स्टेट हेड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरोह ने देश के अन्य राज्यों में भी अपने पैर फैला रखे हैं। पूरे देश भर में 189 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। पुलिस का कहना है कि गिरोह ने एक फर्जी कंपनी खोली और फिर कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों से सोने के सिक्के के साथ ऑयल रिफाइनरी के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराया गया। काफी समय के बाद जब लोगों को शक हुआ तब जाकर शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक एक करके 5 लोगों को राज्य से दबोचा। 92 करोड़ की धोखाधड़ी अभी तक हमारे संज्ञान में आई है और इनके जो अकाउंट्स हैं वो भी हमारे द्वारा फ्रीज किए गए हैं और इन ये 5 लोग उत्तराखंड में ऑपरेट कर रहे थे, लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा ले रहे थे और ये गोल्ड कॉइन्स और रिफाइनरी ऑयल्स इत्यादि में फॉरेन में पैसे इन्वेस्ट करने के नाम पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर ले रहे थे। साइबर क्रिमिनल क्राइम के लिए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। इन दिनों इन अपराधियों ने त्योहारी सीजन को देखते हुए आपराधिक तौर तरीके भी बदले हैं। त्योहारी सीजन के लिए साइबर अपराधियों का नया पैटर्न देखिए। सोशल मीडिया के इस जमाने में जहां लोगों की बधाई देने का तौर तरीका बदला, वहीं साइबर अपराधियों ने भी इसे ठगी का हथियार बनाया। आए दिन व्हाट्सएप के माध्यम से लोग एक दूसरे को शुभकामनाओं के संदेशों को भेजते हैं, जिसमें कई ग्रीटिंग और चमचमाते डिजिटल मैसेज भी शामिल रहते हैं।
लेकिन इन ग्रीटिंग पर क्लिक करने से पहले आप सावधान रहें कि आप साइबर ठगों की चपेट में तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि साइबर ठग इन्हीं ग्रीटिंग के अंदर अलग अलग प्रकार की फिनिशिंग लिंक भेज रहे हैं और जैसे ही आपने क्लिक किया तो मोबाइल का पूरा एक्सेस साइबर अपराधियों के हाथ में आ जाता है, फिर शुरू होगी आपके साथ साइबर ठगी। परंतु अब साइबर अपराधी जो हैं कि थोड़े से स्मार्ट हो रहे हैं, इनोवेटिव हो गए हैं, जहां पे वो इस प्रकार से कोई ग्रीटिंग हो गई, कोई फोटो हो गया, उसके अंदर कोई हाइपर लिंक हो गया, लिंक जो है एम्बेडेड हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं अच्छा ये फोटो है या कुछ ग्रीटिंग्स आई उस पर हमने क्लिक कर दिया, तो हो सकता है कि वो लिंक उसके साथ अटैच हो बैकएंड में और वो बैकएंड में कोई फाइल डाउनलोड हो जाए। तो आपके सारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए अपील करना चाहूंगा कि कोई भी अगर आपको ग्रीटिंग्स भेज रहा है या कोई फोटो भेज रहा है तो उसको आप ऊपरी स्तर पर देख लीजिए, उसको अनावश्यक आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं। वहीं कई साइबर अपराधी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर जनता को ठगी का शिकार बनाते हैं। जैसे ही आपने किसी सामान को खरीदने के लिए लिंक पर क्लिक किया वैसे ही आप साइबर अटैक की चपेट में आ जाएंगे। भी अगर शॉपिंग ऑनलाइन करता है तो इसमें ये चीज सुनिश्चित करनी चाहिए उसको कि किसी अनऑथराइज्ड साइट पे जाके शॉपिंग ना करे, जो कि मेन प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के थ्रू शॉपिंग करें। जो अनवांटेड लिंक्स होते हैं, कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि वेरीफाइड नहीं है, वहां से अगर आप शॉपिंग का प्रयास करते हैं, शॉपिंग करते हैं तो एक संभावना रहती है कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए सुरक्षा की बचाव है जिसके लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 1930 जारी किया है। साथ ही अपील की है कि किसी के साथ भी ठगी की घटना होती है तो तुरंत टोल फ्री नंबर कॉल पर शिकायत करें। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी शहर में मस्जिद का मामला गरमा रखा है। वहीं इस पूरे मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाल का भी बड़ा बयान आया है सामने। दीपक बिजलवाल का कहना है कि ना सिर्फ उत्तरकाशी बल्कि चारधाम यात्रा रूट पर कहीं मस्जिद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी भगवान शिव की नगरी है, उत्तर की काशी है, ऐसे में मस्जिद नहीं होनी चाहिए यहाँ, क्योंकि चार धाम पर करोड़ों सनातनियों की आस्था है। सत्तर के दशक की गलती रही हो, वो 80 के दशक की गलती रही हो, क्योंकि इस तरह के स्थान को काशी की नगरी बर्दाश्त नहीं करती है। और मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के जो आस्था के केंद्र हैं, हम सबके लिए ये चारों धामों में जिन जिन स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां हैं उन सब पर आप तुरंत त्वरित कार्रवाई करें और सनातन की जो सभ्यता है, संस्कृति है, विचारधारा है, उसका हमेशा आदर रखें, क्योंकि काशी की नगरी में ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होने वाली हैं और मस्जिद का होना उस काशी की नगरी में दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे गंगोरी से झाला तक खस्ता हाल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों का सबब बने हुए हैं। बीआरओ ने 50 किलोमीटर के हिस्से के डामरीकरण के लिए टेंडर अगस्त में ही कर लिए थे लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। वहीं बीआरओ के अधिकारी नवंबर में काम शुरू होने की बात कह रहे हैं लेकिन ठंड में रोड पर डामर करने से वो उखड़ जाता है। दिखा सकते हैं जो ये गंगोरी से लेके झाला तक बदहाल कंडीशन में सड़क है और जिस तरह से इस सड़क के टेंडर भी हो चुके हैं अगस्त में और सितंबर में कार्य शुरू हो जाना चाहिए था और 2 जनवरी अंतिम डेडलाइन है कि इस कार्य को पूर्ण होना है, पर हालात ये है कि ग्राउंड जीरो पे कोई काम इस समय नहीं हो रहे और बदहाल पूरी सड़क है। जो यात्री है, जो स्थानीय लोग है, परेशानी का सामना करना पड़ता है और ठंड का मौसम भी शुरू हो गया। ऐसे में जो बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि नवंबर में कार्य शुरू करवाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो कार्य की गुणवत्ता होगी उस पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो कार्य सितंबर में शुरू हो जाना चाहिए था वो आज तक भी शुरू नहीं हो पाया है। टेंडर होने के बाद भी जो कार्य सितंबर में होना चाहिए था वो आज तक शुरू नहीं हो पाया है, जिससे बड़ा सवाल बीआरओ पे खड़ा हो रहा है। बलवीर कुमार, न्यूज 18, गंगोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। बढ़ते आगे हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से खबर, जहां पर क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग की जल्द मरम्मत की जाएगी, साथ ही इस पहाड़ी के ट्रीटमेंट का काम जल्द शुरू होगा। पैदल रास्ते के लिए सरकार ने 1,58,00,000 रुपए का बजट पास किया है जिसमें से 60% पैसा रिलीज भी हो चुका है। सिंचाई विभाग जल्द ही टेंडर निकालकर मंदिर के पैदल मार्ग की मरम्मत का काम शुरू करेगा। दरअसल पिछले साल बारिश के सीजन में इस पहाड़ी पर भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई थी जिससे पैदल मार्ग
क्षतिग्रस्त हो गया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भू वैज्ञानिकों की टीम ने पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए सर्वे भी कराया था। जाने के लिए जो मार्ग है वो काफी क्षतिग्रस्त हो गया है और मार्ग के आसपास पहाड़ियों पे भी क्षति हुई है, तो उनको ठीक करने के लिए एक प्रपोजल भेजा गया था गवर्नमेंट को और शासन ने उसमें 1.58 करोड़ का सैंक्शन किया है, जिसका 60% रिलीज भी हो गया है सिंचाई विभाग को और बहुत जल्दी ही ये काम शुरू किया जाएगा। रुड़की में दीपावली को लेकर फायर विभाग अलर्ट है। फायर विभाग ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि जहां पटाखों की दुकान लगाने की जगह है, जिन जगहों को चिन्हित किया गया है वहीं पर दुकानें लगाई जाएं। फायर विभाग ने रामनगर, नेहरू स्टेडियम और लाल कुर्ती में पटाखों की दुकान लगाने की परमिशन दी है। फायर विभाग ने दुकानों में फायर सेफ्टी के उपकरण रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर जो है तीन जगह जो है पटाखों के जो निश्चित स्थान चिन्हित किए हैं, जिसमें रामनगर, नेहरू स्टेडियम, लाल कुर्ती। नेहरू स्टेडियम में हमारी जो है बड़ी गाड़ी रहेगी और मैं जो है हमने सभी जो है सुझाव दे दिए हैं कि आप सभी जो है फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाएंगे, रेत की बोरी रखेंगे और जो पानी की। आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस को लेकर हल्द्वानी का बर्तन बाजार पूरी तरह से चमक रहा है और बाजार का रंग इन सबके बीच में देखने लायक है। देखिए रिपोर्ट। दिवाली से पहले कुमाऊं का ये सबसे बड़ा बाजार हल्द्वानी ग्राहकों के लिए पूरी तरीके से सजकर तैयार है। ग्राहक शॉपिंग के लिए पहुंच रहे हैं। बाजार की भीड़ अपने आप दिवाली के उत्सव की पूरी कहानी बयां कर रही है। लोग सजावटी सामान से लेकर भगवान की सुंदर मूर्तियां और ये चमकदार बर्तन खरीदने के लिए बाजार पहुंचने लगे हैं। मैं धनतेरस के लिए ही देख रही हूँ, तैयारी कर चल रही है दीपावली की अच्छी खासी और मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ है और शॉपिंग चल रही है, देखो क्या क्या खरीदारी करते हैं। बाजार में ग्राहकों की भीड़ देख व्यापारी भी उत्साहित दिख रहे हैं। खास तौर पर बर्तनों का बाजार कांसे, तांबे, पीतल के बने बर्तनों से भरा पड़ा है। पुराने बर्तनों के लौटते ट्रेंड से व्यापारी बम्पर बिक्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं। निश्चित ही और ग्राहकों में खासा उत्साह है और कंपनियों ने भी कुछ ना कुछ नई नई वैरायटियां लाई हैं, जैसे पीतल तांबे के बर्तनों की बहुत डिमांड है। अभी तक एल्युमिनियम को हटाओ हटाओ का मैसेज चल रहा है। जो पुराना ट्रेंड था, पुराने बर्तन दोबारा से लौट कर आ रहे हैं। भड्डू हो गए, कांसे की थाली हो गई, लोटे हो गए, गिलास हो गए, कांसे के कटोरे हो गए, चम्मच, स्टील से बढ़िया ये काम ज़्यादा चल रहा है। मैं बताऊँ आपको, बहुत अच्छा है और पुराना ही लौट के आना है दोबारा, ये समझिए आप। जाहिर है धनतेरस पर बर्तनों की शॉपिंग एक बड़ा मौका होता है। मान्यता है कि इस दिन बर्तन खरीदने से घर में शुभ ही शुभ होता है। ऐसे में बाजार में एक से बढ़कर एक शुभ सामान आपका इंतजार कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने दीपावली के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। हल्द्वानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में हुए हवन पूजन में शामिल होने पहुंचे भट्ट ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में देश की खुशहाली और बढ़ना तय है। जवान, किसान, सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। ये हमारे जो पर्व हैं, हमको हमारी संस्कृति जो उसके कैसे प्रभु राम वापस आए, किस तरह से हम दीपोत्सव मनाते हैं। ये बढ़ते हैं आगे। दीपावली के त्योहार की धूम है और हरिद्वार के देहात इलाके में लोग स्वदेशी को लेकर काफी जागरूक दिख रहे हैं। इस बार लोग मिट्टी के दियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार बाजार की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, मिट्टी खरीद कर लानी पड़ती है, जिससे काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पर कि एक तो मिट्टी उपलब्ध कराए, दूसरी बात लोकल वोकल की बात तो है, लेकिन उसमें
हर साल कहता है, कहने लगा नहीं महंगा है जी, रेट वही है 3-4 साल से, लेकिन हर हालात जस के तस बने हुए हैं। सरकार को इसमें मदद चलनी है। अब सब हमारा काम खोलने बैठे हैं यार, जिन्हें काम नहीं ना ये भी है, वो भी खोल के बैठे। कारों को ज्यादा मेहनत और पैसा लगाना पड़ता है। साल की रिपोर्ट। दीपावली के मौके हैं लेना और लोग रेडीमेड और चाइनीज चीजों को लेने से परहेज कर रहे हैं। मिट्टी के दीयों की अच्छी खासी हुई, करवा हुआ और हंडिया हुई, अच्छा दाम रहा। इतनी डिमांड है कि हम उनके लिए पर्याप्त चीजें आ रही हैं मार्केट में, उसकी अपेक्षा हमारे स्वदेश